वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि 22 दिसंबर का राशिफल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृष स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में। तो मित्रों, वीडियो को आप पूरा देखें, एस्केप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज का उपाय भी है, जिस उपाय को फॉलो करके आप दिन को बेहतर बना सकते हो। तो पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं। आज तिथि है एकादशी, नक्षत्र है स्वाति, पक्ष है कृष्ण पक्ष और दिन है रविवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:09 में और सूर्यास्त है 5:29 में। अभी ऋतु है हेमंत और आज चंद्रोदय होगा अगले दिन 4:00 AM में और चंद्रास्त होगा 2:35 PM में। आज आपके लिए शुभ समय है 11:58 से 12:40 के बीच में और अशुभ काल है 4:06 से 4:47 तक। और आज का दिन होगा 10:19:18 का और दिशाशूल है आज पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, शानदार रहेगा, क्योंकि आज अपने प्रेमी से आज आप काफ़ी ज़्यादा प्यार महसूस करने वाले हैं। आपको ये फील होने वाला है कि आपका प्रेमी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और आपके बिना रहना उनके बस की बात नहीं है। और आज का दिन आप दोनों के लिए एक खास दिन के तौर पर गुजरने वाला है। इसके बाद बारी आता है आपके पारिवारिक जीवन का। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। आज आपके घर के लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करेंगे और उस उम्मीद पर आज आप खरे भी उतरने वाले हैं। अगर घर में से किसी को भी आपकी आवश्यकता हो, घर वालों को ये फील हो रहा हो कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आप वहाँ ना बिल्कुल भी ना कहें, उनके पास आप जाएं, उनकी आप हेल्प करें। अगर आप ये करते हैं तो आज आपका पारिवारिक दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके बाद है आपका व्यापार। व्यापार के लिहाज से दिन आपके लिए सामान्य है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज कामकाज में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बस आप ये ध्यान रखें कि अपने कामकाज में आपसे कोई गलती ना हो, आप वहाँ कोई लापरवाही ना करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और कामकाज में आप एकाग्र रहते हैं तो बाधाएं आपको टच भी नहीं करेगी। दोस्तों, आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को आप हर जगह फैला दें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आपका सामान्य है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अपने सेहत का आज आप ध्यान रखें और आज के दिन आप ऐसी चीज़ों पर काम करें जो आपकी सेहत को बेहतर करे और जो करने से आपके लाइफ से दिक्कतें दूर हो जाए और सेहत आपका तंदुरुस्त हो जाए। यानी कि आज आपका दिल जो करे आप वही करें। अगर आप मन से स्वस्थ रहते हैं तो ये ऊपरी बाधाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद है आपका धन संपत्ति। धन के लिहाज से दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, शानदार है। आज आपके पास पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर आप अपने मन के मुताबिक काम करते हैं, आपका मन जो कहता है आप वो करते हैं, तो आपको आज धन का लाभ काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर व्यापार में आप धन निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश करें, लेकिन उस निवेश को आप एक योजना के अकॉर्डिंग करें ताकि आपका धन वहां बर्बाद ना हो और आपका पैसा आपके काम आ सके। आपके अंदर जो प्रतिभा हो उस प्रतिभा को आप बाहर निकालें और अपने कामकाज में उसे आप लगाएं, ये आपके लिए फायदेमंद साबित अवश्य होगा।
इसके बाद है आपका वैवाहिक जीवन। अगर आपके और आपके जीवन साथी में आज से पहले उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा था, तो आज आपका दिन सामान्य तौर पर सही रहेगा। बाधाएं आप दोनों के बीच आज नहीं आने वाली है। अब जानते हैं आज के उपाय के बारे में। दोस्तों, आज आप खाना खाने में गुड़ का प्रयोग करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, बाधाएं दूर हो जाएगी। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।